Very good morning to you all. Welcome back to the next class. Today I will explain the question number 3 of exercise 6.3 is the fill in the blanks. Minus 8 में हम क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, तो minus 8 का additive inverse होता है plus 8. इसमें हम plus 8 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 0. 13 में क्या प्लस किया जाए कि 0 आ जाए, तो 13 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस 13, तो माइनस 13 को इसमें हम प्लस कर देंगे तो आएगा 0. नेक्स्ट है आपका 12 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 12. ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स एडिटिव इन्वर्स से रिलेटेड है. ए बी सी थ्री सेक्शंस, ए बी सी ये थ्री सेक्शंस एडिटिव इन्वर्स से रिलेटेड है. तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स वह नंबर होता है जिसको हम उसमें प्लस कर दें तो 0 आ जाए. तो 12 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. नेक्स्ट है माइनस 4 प्लस इज इक्वल टू माइनस 12 आया है, तो माइनस विच नंबर इज एडेड इन टू द माइनस 4, देन वी गेट माइनस 12. तो माइनस 8 हम इसमें प्लस कर देंगे, दोनों इंटीजर्स जो है वो माइनस में रहेंगे, माइनस 4 एंड माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 20 सॉरी माइनस 10. फिल इन द ब्लैंक्स माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 10. माइनस 15 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आंसर में माइनस 10 आ रहा है. इसका मतलब जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है वो प्लस में है, तो 5 माइनस 15 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10. यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स बड़ा है तो पॉजिटिव इंटीजर इससे सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया 10, और नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो इसलिए आंसर में भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस सॉरी 5 आएगा यहाँ पे. तो यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3 इनटू द फेयर कॉपी. थैंक यू.